नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मित्रा सॉल्यूशन पर और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी 10वीं या 12वीं की जो मार्कशीट है राजस्थान बोर्ड की, वो ओरिजिनल मार्कशीट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल रंगीन आप प्रिंटर निकाल सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रिंटर निकलेगा और बिल्कुल सेम वही ओरिजिनल कॉपी ही होगी। तो किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। यदि वीडियो आपको पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। दोस्तों यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ गूगल में, और गूगल में आपको लिखना है डिजी लॉकर। जैसे ही आप डिजी लॉकर लिखोगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस साइट के ऊपर आ जाना है डिजी लॉकर की। डिजी लॉकर की साइट के ऊपर आने के बाद में यहाँ पर आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट यानी जिस भी स्टूडेंट की आप मार्कशीट निकाल रहे हो उस स्टूडेंट का जो आधार नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दोगे और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर यानी जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा। तो मैं वो ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है वो डालना होगा। तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी पिन भी डाल देता हूँ और यहाँ डन बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने जो ये पेज है डिजिटल लॉकर का वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि आपको मार्कशीट प्राप्त करनी है तो यहाँ पर लिखे होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इशूड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ इशूड डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे आप इशूड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो जो भी इशू हुए होंगे यानी आधार कार्ड अभी आपने लगाया है तो आधार कार्ड यहाँ पर आप पीडीएफ निकाल सकते हो। इसके बाद में गेट मोर इशूड डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं वो आ जाएंगे और यहाँ से आपको स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है वो आप देख लोगे और यहाँ एजुकेशनल से संबंधित है व्यू ऑल इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपको राजस्थान बोर्ड पर जाना है। यहाँ पर आपको राजस्थान बोर्ड है वो सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर राजस्थान बोर्ड लिखा हुआ है तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं 10वीं की जो मार्कशीट है इस स्टूडेंट की डाउनलोड करने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट का जो ओरिजिनल नाम है जो मार्कशीट में था वो आपको यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर उसका जो रोल नंबर है वो लगाना है और इसके बाद में जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 ईयर दे रखे हैं तो मैं यहाँ पर 2019 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद में गेट डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स राजस्थान बोर्ड की साइट से ऐसे इशूड डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है। तो मैं इशूड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूर क्लास 10th मार्कशीट इज सक्सेसफुली सेव्ड इन यूर इशूड डॉक्यूमेंट्स। तो अब इशूड डॉक्यूमेंट्स में आप जाओगे। यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास 10th मार्कशीट आपको यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टूडेंट की जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो इस प्रकार से डाउनलोड होकर के आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिजिटल लॉकर वेरीफाइड और यहाँ पर इसका साइन भी आ चुका है डिजिटल लॉकर का और यहाँ पर ये QR कोड है वो भी आ चुका है। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट को ये ओरिजिनल मार्कशीट है वो प्रिंट करके दे सकते हो। तो दोस्तों यही छोटी सी जानकारी मेरे पास में थी जो मैंने आपको दी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।